नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और लाइव लगातार देख रहे हैं आप। करिश्माई खिलाड़ी रोनाल्डो के जोरदार खेल के दम पर पुर्तगाली टीम ने यूरो कप 2020 के अपने पहले मैच में हंगरी को 3-0 से हरा दिया। लेकिन इस मैच से ठीक पहले रोनाल्डो ने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया की बहुचर्चित ब्रांड में से एक कोका कोला को 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 293 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने अपने छोटे से इशारे से कंपनी को बड़ा झटका दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो कोच फर्नांडो सैंटोस के साथ पहुंचे थे। रोनाल्डो ने अपने सामने कोका कोला की कुछ बोतलें देखकर उन्हें कैमरे के एंगल से पूरी तरह से हटाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने पानी की बोतल उठाई और सभी को उसे पीने का इशारा किया। रोनाल्डो की हरकतों को देखकर काफी लोग हैरान रह गए। रोनाल्डो को अपने सामने कोका कोला की बोतलें हटाते देख कोच भी हैरान रह गए। बता दें कि रोनाल्डो ने पहले जंक फूड के प्रति अपनी नापसंदगी के बारे में खुलासा किया है। रोनाल्डो के इस छोटे से काम से ही कंपनी के खिलाफ ऐसा माहौल स्टॉक मार्केट में बन गया कि सोमवार को जब यूरोप में 3 बजे के करीब स्टॉक मार्केट खुला तो उस वक्त कोका कोला के एक शेयर की कीमत 56.10 अमेरिकी डॉलर थी। कुछ ही देर में कोका कोला का शेयर लुढ़क कर 55.22 डॉलर तक आ गया और इससे कोका कोला की कीमत में करीब 4 बिलियन डॉलर यानी 293.43 करोड़ रुपए की कमी आ गई। हालांकि कोका कोला ब्रांड टूर्नामेंट का आधिकारिक स्पॉन्सर है। रोनाल्डो ने एक लंबे और शानदार करियर में एक आदर्श फुटबॉलर के जरिए बेंचमार्क स्थापित किया है। रोनाल्डो ने पहले जंक फूड के प्रति खुलकर अपने विचार भी रखे। जाते जाते आपको बता दें कि दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोका कोला के 900 ब्रांड हैं। इनमें 1,46,200 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी 3,900 तरह के पेय पदार्थ बनाती है। अगर आप हर रोज एक पिएंगे तो सभी को चखने में आपको 9 साल लग जाएंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।